गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। सावित्री बहुत परेशान थी, बार बार अपने फोन से कॉल लगाकर वकील जी को बुला रही थी। इधर वकील जी भी सावित्री जैसी भोली भाली बातों में फुसला रहे थे। वकील जी जानते थे कि सावित्री बहुत ही सुलझी हुई है, तो उससे कितने भी पैसे मांगो वो पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। सब कुछ कैसे हो गया, क्या हो गया, सावित्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर सावित्री ये भी बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे कुछ भी करके अपने पति को छुड़ाना है, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए। असल में हुआ कुछ यूं कि सावित्री और उसका पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन मानो उनके परिवार को किसी की नजर लग गई थी। अचानक से उसके पति जो काफी बड़े बिजनेस करते थे वो बिजनेस भी डूबने लगा था। गौरतलब है सावित्री की शादी आज से करीब 5 साल पहले हो गई थी। उसका अभी एक बेटा भी है जो स्कूल में पढ़ाई करता है। सावित्री जो कि बहुत ही सुलझी हुई थी, शादी से पहले यूं तो किसी भी लड़के से बात तक ना करती थी, शादी के बाद भी हमेशा परिवार में ही रही, परिवार को अच्छे से बांध के रखा था। लेकिन अचानक से जैसे मानो सब कुछ बदल गया। सावित्री ने बाहर की दुनिया अब तक देखी न थी। उसके पति का बहुत बड़ा सा बिजनेस था, जिस बिजनेस में वो लोग काफी अच्छे पैसे कमाते। घर पर किसी भी चीज की तंगी न थी, यहाँ तक कि सावित्री के घर पे कुछ काम करने की भी जरूरत न थी, इतने नौकर चाकर थे। लेकिन सावित्री फिर भी घर पे सबके लिए कभी ना कभी कुछ कुछ खाना बनाते रहती। उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता। आज भले ही उसके पति के पास सब कुछ था, लेकिन क्योंकि जब वो शादी करके आई थी तो उसके घर में खाना बनाने के लिए उतने नौकर चाकर नहीं थे, इसी वजह से वो हमेशा ही कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती जिससे ऐसा लगे कि वो घमंड में है। लेकिन उसके पति को किसी ने जबरदस्ती फंसा दिया था, और ऐसे में धीरे धीरे इस केस में उसके पति को जेल हो गई और रिहाई भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में बहुत सारे उसके जो पैसे थे वो पैसे भी लग गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे कुछ करने के लिए, कुछ नया व्यापार करने के लिए। यहाँ तक कि अब तो ऐसा हालत था कि घर भी बिक जाए। सावित्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। खैर उसने कुछ लोगों से राय ली उस वक्त। ऐसे में उसके पति के एक दोस्त जो काफी पुराने दोस्त थे, उन्होंने सावित्री से राय ली कि एक काम करिए, आप जाकर एक बहुत बड़े ही नामी वकील का नाम बोले, उनके साथ मिलिए, अगर वो ये केस हैंडल कर लेते हैं तो आपके पति को रिहाई भी मिल जाएगी, हो सकता है आपके सारे पैसे भी या फिर आपके घर भी जब्त होने से बच जाए। ऐसे में सावित्री के पास एक ही रास्ता था, उस वकील से जाकर बात करना। अब सावित्री का कोई ना ही देवर थे ना ही जेठ थे जो कि जाकर बात कर सके। सावित्री घर के दहलीज में कभी अकेले कदम नहीं रखी थी दहलीज के बाहर, लेकिन आज कुछ ऐसी समस्या आ खड़ी हुई थी कि उसे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा था। वो सबसे पहले तो उस वकील का नंबर निकाली और पहले वकील के जो पीए थे उन्हें फोन की। उस पीए ने वकील के साथ मिलने के लिए 1 घंटा का समय सुबह 11 से 12 बजे तक का रखा। सावित्री को पता भी नहीं पता था अच्छा से। उसने सोचा अब कुछ भी हो जाए मैं अकेले सब काम करके ही रहूंगी। उसके मन में एक ही विचार आया, भारतीय नारी सब पर भारी। उसने आज बिल्कुल अलग तरीके से तैयार हुई थी। सावित्री जो हमेशा शादी के बाद से घूंघट में रहती थी, आज पहली बार घूंघट हटाकर घर से बाहर दहलीज कदम रख रही थी, वो भी अकेले।
उसे डर तो था, लेकिन ऐसा भी था कि अब अगर वो ये सब काम नहीं कर सकी तो कोई नहीं कर पाएगा। और इस वक्त जब सावित्री बड़ी मुश्किल परिस्थिति में थे, हर तरह से लोग उन्हें धोखा ही दे रहे थे। वो मदद के लिए इससे पहले भी काफी जान पहचान या रिश्तेदार के पास गई थी, लेकिन किसी ने भी ऐसे कोई मदद ना की थी। ऐसे ही उस दिन सावित्री निकली। सावित्री उस पता को खोजते निहारते करीब उस वक्त 10:45 बज रहा था घड़ी पे, ठीक वकील के पास गई। वहां पे रिसेप्शनिस्ट ने उसे 10 मिनट बैठने के लिए कहा। जब 11:05 हुए थे, वो वकील सावित्री से मिलने के लिए आया। उस वकील को देख के ही लग रहा था वो काफी अड़ियल किस्म का है। थोड़ी मोटा तोद निकला हुआ करीब 50-60 साल का व्यक्ति। उन्होंने कहा, हाँ मैडम जी बताइए। सावित्री की आंखों से जैसे आंसू की धाराएं बह गई। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी सारी बात। जैसे ही आंसू की धारा बहने लगी, उस वकील ने सावित्री को संभालते हुए कहा, आप बताइए तो मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। सावित्री ने डर से सारी बातें बता दी। वकील समझ चुका था गलती सावित्री के पति की शायद ना है, नहीं तो आज सावित्री सारी बातें ऐसा ना करती। बात बताते बताते सावित्री ये बोली कि सर आप बस मेरे पति को रिहाई दे दीजिए। वकील ने कहा, मेरी फीस बहुत ज्यादा है, आप इतनी फीस दे पाएंगी? सावित्री का मुंह मानो चुप हो गया था, क्योंकि उसके पास अब तो ज्यादा पैसे थे ही नहीं। सावित्री ने तभी कहा कि मैं आपके पैसे चुकाने के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके पैसे दे दूंगी, आप बस मेरे पति का रिहाई कर दीजिए। एक बार मेरे पति बाहर आ गए तो फिर आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। वकील ने कहा, देखिए सावित्री जी, आप बहुत सीधी लगती हैं, लेकिन मैं ठहरा व्यापारी इंसान, मैं काम से पहले पैसे लेता हूँ। अब आप देख लीजिए, अगर आपके पास पैसे हो तो आइए। इन सब बातों से सावित्री थक हार कर घर चली गई। अब करीब शाम के 5 बजे सावित्री ने फिर से वकील को फोन किया और कहा, सर आप मेरा काम कर दीजिए ना। वकील अब समझ चुका था सावित्री से चाहे वो कुछ भी मांगे, सावित्री हर चीज देने को तैयार हो जाएगी। वकील मन ही मन मुस्कुराया। उसके दिमाग में अब शैतानी चाल चल रही थी। पहले तो उसने बहुत बहाना किया और कहा, सावित्री जी अगर आप चाहें आपके पास एक रास्ता है अपने पति को बचाने का। सावित्री खुश होकर बोली, क्या है सर क्या है, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। वकील ने उसे दोबारा कल शाम को 5 बजे मिलने के लिए बुलाया। संभली हुई शांत मन की सावित्री को पता नहीं था अब आगे क्या होने वाला था, लेकिन उसका लक्ष्य है कि कल शाम में 5 बजे उसे मिलने जाना है। इधर उस वकील के मन कुछ और ही चल रहा था। आगे क्या होता है ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।